हमारा देश भारत देश शानदार देश है, महान देश है, महान लोग हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? जिस जिसको लगता है प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए हाथ खड़े करें। ये कैमरे वाले जरा दिखा दीजिए कि जिस जिसको लगता है कि अनपढ़ प्रधानमंत्री ठीक है कोई बात नहीं हो वो हाथ खड़े करो। भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। आज 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी का युवा एस्पिरेशनल युवा है, वो विज्ञान में विश्वास करता है, वो साइंस में टेक्नोलॉजी में विश्वास करता है, वो अपने लिए रोजगार चाहता है, वो भारत की तरक्की चाहता है। भारत की तरक्की कौन कर सकता है? एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। कम पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी तरक्की नहीं कर सकता। मैंने प्रधानमंत्री जी का एक स्पीच सुना था, कई स्पीच है उनकी, उसमें वो कहते हैं कि मैं केवल गांव के स्कूल में गया था, उसके बाद मेरी कोई शिक्षा नहीं हुई। हमारा देश बहुत गरीब देश है, हमारे देश में किसी का अनपढ़ होना, किसी का कम पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं है। बहुत लोग हैं जो गरीब लोग हैं, अपनी गरीबी की वजह से वो कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल नहीं जा पाते, कम पढ़े लिखे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिलती, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री को तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, है कि नहीं है? अब प्रधानमंत्री जी नोटबंदी, अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कितना खतरनाक बात है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी में सारे देश में अफरा तफरी मच गई, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों के धंधे बंद हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई। 10 साल पीछे चला गया देश, देश की अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे चली गई। किसने आगे प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना दिया? बोले नोटबंदी कर दो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ? किसने प्रधानमंत्री जी को आके बेवकूफ बना दिया? बोले नोटबंदी कर दो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म हुआ? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते